Hello friend, assalamualaikum. Kaise hain aap sab? Do let me know in the comment section that how are you guys. And today we're gonna talk about concealers and correctors. And I do have a bunch of products that conceals very well. You don't need to buy them. LA ka, Maybelline ka, ya Revlon ka. Zaruri nahi ki aap high end brands correctors ya concealers khareedenge to hi wo work karenge. The easily available Korean, Chinese brands, and they work very fine. You just need to get the right kind of corrector or concealer. So concealers jo hai wo basically conceal karne ke liye use hote hain. The conceal means to hide something that cannot be shown, and concealer mean that a cosmetic skin tone stick that used to hide under eye dark circles or blemishes or spots on your skin. Concealers ke saath correctors jo hain, they are evenly important. So do buy concealers with correctors. So and do get to know your undertone ko pata karne ka tarika sirf yahi hai ki aapki ye jo veins yahan par aapki aam pe nazar aa rahi hain, mere paas ye ek dibbi hai, iske andar concealer, corrector aur brightener hai. To ye main teenon ko jo hai apni aam pe aapko swatch karke dikhati hu. If you guys can see, ye thoda yellow tone mein hai, ye whitish tone hai aur ye pink tone mein hai. See, तो इनकी जब तक लेयर्स नहीं लगेंगी तब तक आपकी आई जो डार्क सर्कल्स हैं वो हाइड नहीं हो सकते. इफ आई जस्ट स्ट्रेटली पुट द वाइट थिंग, उससे क्या होगा, मेरी अंडर आई जो है वो ग्रे कलर की हो जाएगी, विच इज नॉट सो अपीलिंग. सो व्हाट वी नीड टू डू इज टू पुट द करेक्टर फर्स्ट, और उसमें अगर आपके बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स हैं मेरी तरह, तो दिस इज अ डार्कर वन. इस तरह का ये क्रीमी जो है ये आप अप्लाई करेंगे. ओके, इट्स नॉट ओनली यूज फॉर द डार्क सर्कल्स. अगर आपके ब्लेमिशेस हैं, अगर आपके जैसे कहते हैं दानों के स्पॉट्स रह जाते हैं, तो वहां पर भी आप इसको लगाकर हल्का सा ब्लेंड करें और उसके ऊपर ये फाउंडेशन या जो भी आपको सूट करता है वो अप्लाई करेंगे, तो वो सील कवर्ड ज्यादा अच्छे और बेहतर तरीके से होंगे. इफ यू वॉन्ट टू लर्न हाउ टू कंसील अंडर आई डार्क सर्कल, देन दिस इज द वीडियो फॉर यू. सो So Let's my skin is totally bare. I have lots of dark circles. I do try to use eye cream at night. कोशिश करती हूँ ध्यान रखने का, कोशिश करती हूँ इसका ख्याल रखने का, but और भी बहुत सारे उल्टे काम साथ हो रहे होते हैं, इसलिए try to drink lots of water, eat healthy, sleep at night, sleep at time, and always think positive thoughts. और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो डार्क सर्कल्स और ब्लेमिशेस का रीजन बन सकते हैं. सो आई डोंट अवॉइड देम, दैट्स व्हाई आई हैव डार्क सर्कल्स एंड स्पॉट्स ऑन माय फेस. सो आई एम गोना टेल यू व्हाट आई यूज टू कंसील एंड हाइड माय डार्क सर्कल्स. तो नन ऑफ देम आर हाई एंड ब्रांड. कोई भी इसमें से हजार रुपए की कोई आपको चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि आई थिंक माय व्यूअर्स, द काइंड ऑफ सब्सक्राइबर्स आई हैव राइट नाउ आर नॉट रेडी टू यूज हाई एंड ब्रांड्स, क्योंकि मेरे नजदीक अगर कोई चीज 1000 की है, इट इज अ हाई एंड ब्रांड. कंसीलर्स जो है वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, वन आर करेक्टर्स और वन आर कंसीलर्स. अब कंसीलर्स जो होते हैं वो स्किन टोन में होते हैं. मेरे पास ये मैक का आइवरी कंसीलर है, ये मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा येलोइश है, मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा लाइट है. नेक्स्ट आई हैव दिस उषा मैटिफाइंग 24 आवर कंसीलर, ये इससे डार्क है. नेक्स्ट आई हैव दिस लिपस्टिक कंसीलर, ठीक है, ये भी आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, लिपस्टिक का कंसीलर. ये भी इतना थिक नहीं है, ये मेरे वैसे पैसे वेस्ट थे, और इट इज वेरी शाइनी, इट्स नॉट मैटिफाइंग, और ये क्रीज भी कर जाता है, और इट्स नॉट अ गुड वन. नेक्स्ट आई हैव दिस 3CE का कंसीलर, इट इज थिक, इट इज डेफिनेटली थिक. इसकी कवरेज जो है वो भी अच्छी है. लेट मी जस्ट शो यू हाउ काइंड और हाउ मच कंसीलर्स आई हैव. नेक्स्ट आई हैव दिस स्टिक काइंड ऑफ कंसीलर, और ये है एक्सप्रेस मेंडुग 3-in-1 कंसीलर. नेक्स्ट आई हैव दिस मियाउ परफेक्ट, एंड इट इज अ कलर करेक्टर. क्यों? क्योंकि इट्स रेडिश टोन, ये थोड़ी सी रेड टोन में है, ये देखिए ना, ये व्हाइट आइवरीज है
और रेड टोन में, ये थोड़ा येलो टोन में है। नेक्स्ट आई हैव दिस बेनिफिट इट कंसीलर। अब ये बेनिफिट जो है बेसिकली ये भी हाई एंड ब्रांड है, बट आई डिड नॉट गेट इट फ्रॉम माई सेल्फ, समवन गिफ्टेड टू मी और दैट्स हाउ आई गेट इट। सो ये इट्स द परफेक्ट थिंग टू हाईलाइट योर ब्राउ बोन, और आई एम गोना स्टार्ट विद माई ब्राउ बोन। इट इज द बेस्ट थिंग। और ब्राउ बोन का बेसिकली क्या है कि अगर ये लाइटेस्ट टोन भी है आपकी स्किन टोन से तो भी ये इट विल वर्क, क्योंकि उसके ऊपर जब आप हाईलाइटर और आई शेडो अप्लाई करेंगे तो इट विल गिव मोर पिगमेंट्स, इट विल शो मोर पिगमेंट्स। इसको ऊपर नीचे से एक सीधी पहले लाइन लगाकर इसको नीट कर लें। दैट्स ऑल। यू कैन डेफिनेटली यूज योर फिंगर, बट आई एम यूजिंग अ ब्रश। सी आपको कितनी शार्प सी लुक जो है वो नजर आती है। ओके, नेक्स्ट कम्स द करेक्टर। दिस, इसमें ये तीन नीचे आई शेड्स हैं मेरे पास और ये तीन ऊपर करेक्टर है। ये थोड़ा डार्क येलो टोन में है जिससे आपकी अंडर आईज जो है वो बेसिकली करेक्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, इट्स वेरी क्रीमी और इसकी जो बाकी पैलेट्स हैं, बाकी कलर्स हैं, वो भी बहुत पिगमेंटेड है। इस तरह जहां पर आपको, वहां पर आप इसको पहले रेड कर लेंगे, उसके बाद ये ऊपर एक करेक्टर है, ये भी बहुत पिगमेंटेड है। अब मैं इसके ऊपर ये अप्लाई करूंगी। See the difference? It's all gone. आप definitely आप ये भी use कर सकते हैं, तीनों भी ये भी यही काम करेंगे। But this is more closer to my skin and I love this palette. इसके eye shades भी इतने pigmented हैं, seriously guys. That much. See, ये तो वो dark वाला color है, ये देखें, और वो जो golden सा है। Anyhow, back to the concealer. Next, इसका जो ये कलर है ये मैं यही यूज कर रही हूं। Under this eye, और इससे आपकी आई के नीचे एकदम से ब्राइटनेस भी आ जाती है। I have done my eye makeup. Finger works perfectly. अदरवाइज जो ब्रश है वो टू टोन ब्रश है, बेसिकली ये सोनिया कशिक का ब्रश है। अच्छा, टू सेट दिस वी डू नीड टू सेट दिस, सो सिंस आई हैव यूज दिस आई एम लविंग दिस, तो आई एम गोना कंसील माई अंडर आई विद दिस। तो यू डू नीड समथिंग टू सेट योर आईज, और इसकी जो है वो कवरेज अमेजिंग है एंड इट मैटिफाइज एवरीथिंग दैट यू हैव ऑन योर फेस। इसके बाद व्हाट आई टेंड टू यूज इज दिस ब्राइटनिंग पाउडर। ये एक वैसे तो वाइट सा पाउडर है बट इट हैज अ वेरी वेरी फाइन शिमर टू इट, अ वेरी फाइन, उसको मैं कबूकी ब्रश से अंडर आईज को ब्राइट अप करूंगा। दिस इज कॉल्ड ब्राइटनिंग पाउडर और ये बेक्ड होता है। नेक्स्ट आई एम गोना यूज अ ब्रॉन्जर, ब्लशर एंड हाइलाइटर एंड आई बी बैक। ओके गाइज, आई एम बैक विद कंप्लीट लुक। आई हैव यूज ब्रॉन्जर, ब्लशर एंड हाइलाइटर। होप यू गाइज, होप दिस वीडियो विल बी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू गाइज, एंड डू इन्वेस्ट इन गुड कंसीलर, बट करेक्टर्स मस्ट, डू बाय करेक्टर्स, दीज करेक्टर्स are the thing to buy. And always whenever you use concealers, don't forget to set them with a setting powder. Loose powders bhi milte hain, baking powders bhi milte hain, compacts work definitely fine. Ye use karne ke baad, this is, ye bhi moa ka hai, baked shimmery powder. Ye brightening powder hota hai, ye eyes ke niche bright up karne ke liye, you just need to use it with under your eye. Halka sa isme shimmer sa hota hai, aur that's it. If you like my video, then don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching.